हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की अवमानना याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जाएगी। अटॉर्नी जनरल के भूषण के खिलाफ यह याचिका उनके 1 फरवरी के ट्वीट को लेकर दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद सरकार ने सीबीआई के अंतिम प्रमुख की नियुक्ति के बारे में उच्चतरीय चयन समिति के गढ़े हुए दस्तावेज शीर्ष अदालत में पेश किए हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा के पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय ने कहा कि वह इस पर जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि भूषण और वेणुगोपाल दोनों ही इस समय संविधान पीठ के समक्ष एक अन्य मामले में बहस कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने 7 मार्च को शीर्ष अदालत में स्वीकार किया था कि उनके ट्वीट में वास्तव में गलती हो गई थी, परंतु उन्होंने इस मामले की न्यायमूर्ति मिश्रा से सुनवाई से हटने का अनुरोध करने के संबंध में बिना शर्त क्षमा याचना करने से इनकार कर दिया था। भूषण ने अपने ट्वीट में कहा था कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने शीर्ष अदालत को गुमराह किया है और शायद उसने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एक नागेश्वर राव की नियुक्ति से संबंधित मामले में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक की कार्रवाई का गड़ा हुआ विवरण पेश किया है। वेणुगोपाल ने इससे पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि चूंकि भूषण ने यह बयान दिया है कि यह वास्तव में गलती थी, इसलिए वह अवमानना याचिका वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस मामले में प्रशांत भूषण के लिए कोई सजा नहीं चाहते हैं और न्यायालय को इस व्यापक विषय पर विचार करना चाहिए। क्या न्यायाधीश किसी मामले की कार्रवाई करने की वकील और वादकारी को आलोचना करनी चाहिए? हालांकि पीठ ने वेणुगोपाल से कहा था कि आप भूषण के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, परंतु आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और हम इस पर निर्णय करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।